नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैन कंप्यूटर में। और आज हम लोग एक न्यू सीरीज़ का, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि MS Access से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे बतानी है एक्चुअल में। तो मैं आज आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बीच से स्टार्ट करता हूँ उसके। एक्चुअल में MS Access हमारा क्या होता है, आपका ये डेटाबेस से रिलेटेड होता है। जब आप लोग एक्सेल वगैरह चलाते हो वैसे सेम हमारा एक्सेस होता है, लेकिन इसमें आप लोग फॉर्मूले यूज़ ना करके क्वेरीज यूज़ की जाती है हमारी। तो इसमें आपका डेटाबेस बनता है और डेटाबेस से रिलेटेड आपकी टेबल्स होती हैं, और टेबल के अंदर में जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है उसको हम लोग देखने के लिए, अपडेट या डिलीट कुछ भी करने के लिए हम लोग क्वेरीज वगैरह यूज़ करते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा मैं पार्ट बताऊँ बीच से कि हम लोग MS Access के अंदर में यूज़र फॉर्म कैसे बना सकते हैं और अपना काम कैसे कर सकते हैं। मीन्स अगर मान चलो मुझे एक स्टूडेंट का यूज़र फॉर्म बनाना हो जिसमें उनका पूरी डिटेल्स वगैरह और एक फोटो वगैरह मुझे यूज़ करना हो, देन मैं उसको किस तरह से सर्च कर सकता हूँ और किस तरह से मैं उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए, ये हमारा MS Access, यहाँ पे आप क्लिक करिए ब्लेंड डेटाबेस के लिए। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें जो इसकी आपकी जो रन कमांड होगी जो कि MS Access ही होगी, और इसका जो एक्सटेंशन होगा आपका वो आपका .accd मतलब एक्सेस डेटाबेस आपका, तो 2031 जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप ब्लैंक पे क्लिक करिए, ये वैसे तो आपका माइटोकॉन में जाके सेव होगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करके और एक अपना फोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे, जो भी अपना नाम देना। फिलहाल मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पे शरद जैन, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग मैम, चलो कंप्यूटर के नाम से हम डेटाबेस बना देते हैं अपना। यहाँ से क्रिएट करिए, अभी हमारा इसका डैशबोर्ड लुकअप साइप कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको व्यू में जाना है, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आपसे टेबल का नाम पूछेगा, तो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना, तो यहाँ पर आप डालेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। लेकिन याद रखें इसमें जो भी आप काम करें उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जब लोग क्वेरी चलाते हैं वहाँ पर वो स्पेस काउंट नहीं करता। हाइफन वगैरह या अंडर स्कोर लगा के चले आपको। तो सबसे पहले पूछ रहे वो आईडी यहाँ पे दे रहा है प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है हमारा, इसमें कि जो भी आप इसमें की एक बार डालेंगे वो सिर्फ एक बार ही आपको लेगा, आप उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। मींस जैसे रोल नंबर होता है किसी का, सीरियल नंबर होता है, या एक एम्प्लॉय आईडी होती है, तो वो हर एक बंदे की अलग अलग होती है। भले ही नाम एक होंगे बट नंबर सबके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा था ऑटो नंबर, ऑटो नंबर आप अगर आप लेते हो तो ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट कर देगा 1 2 3। अगर आप अपने हिसाब से डाल देना है आपको तो यहाँ से यूज़ करेंगे अपना नंबर, देखिए एन दबा के आपके नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर अपना डाल दीजिए आप रोला। ठीक है दोस्तों, इसका रोल नंबर पे स्टूडेंट का नाम, इसको शॉर्ट टेक्स्ट में लेना है आपको, इसका क्लास ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में लेना अपना, और इसका सेक्शन इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं छोटी सी, वो क्या है आपकी लुकअप विज़र्ड। तो लुकअप विज़र्ड में क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कुछ ड्रॉप डाउन से बना सकते हैं अपने आप, लेकिन नेक्स्ट करिए। इसे बना लीजिए भाई सेक्शन, ये है ये आपका बी है, ये आपका सी है, तीन ही लेंगे अपना, आपकी मर्जी जितना बना सकें। देन इसको फिनिश करेंगे आप यहाँ से। इसके बाद उन्होंने बोला कि इसका डी ओ बी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम देना है, इस तरह से डी दबा देना है बस। डी ओ ए मतलब डेट ऑफ एडमिशन क्या है उसकी, इसके बाद उसके फादर्स नेम आपका, और उसका कुछ एड्रेस अगर मेंशन करना है तो यहाँ पे आप ले लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट में, आपका मेमो बन जाएगा आपका। बाकी उसका मोबाइल नंबर भी आप लोगों को टेक्स्ट में लेना है, क्योंकि हम लोग डिजिट काउंट करते हैं। और एक आप ई मेल ले लें, इसको भी हम लोगों को शॉर्ट में लेना है। और एक इसके लिए लिया फोटो के लिए अपना ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अटैच में। ठीक है दोस्तों, व्यू करिए, डाटा शीट व्यू करिए, और इसके बाद आप उसको करेंगे यस। अब यहाँ पर मुझे इसका रिकॉर्ड तैयार करना था, सबसे पहले क्या करेंगे आप क्रिएट में जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म डिज़ाइन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपका ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इसमें क्लिक करिए। देन शो ऑल टेबल्स डबल क्लिक, एक बार यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करिए, एक बार फिर इसको दबाइए और शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे कुछ इस तरह से इसको। देन एंटर, देखिए इसके बाद आपने इसको इस तरह से लेना है, बड़ा कर लो इसे अपना, और इसको कंट्रोल ए करके सारा साइड में ले लो। और आप चाहो तो यहाँ पर एक इसको साइड में लगाइए, इसको डिलीट कर दो अपना सिलेक्शन करके अलग से, इसको यहाँ लेके अपना अलग कर दीजिए थोड़ा बड़ा कलर से अपना। और यहाँ पर हम लोग एक इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं, मेरे भांजे मिहिर का एक इंस्टीट्यूट है फिरोजाबाद में, तो मैं उसी का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर आपका। उस इंस्टीट्यूट का नाम है आपका
को शायद नाम नहीं पता, पर मैं उसको मिहिर का मुझे रखता हूँ, मिहिर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते थोड़ी सी हम लोग, मतलब सेंटर में करना है, बोल्ड करना है, कलर करना है, और हमें इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस मोर देन, आप प्रेस कर सकते हैं तो ऐसा आ जाएगा आपका ये, कंट्रोल प्लस लेस देन करेंगे तो वापस रेस आ जाएगा, और शॉर्ट की अगर आपकी यूज़ नहीं हो पा रही है तो आप होम पे जाके व्यू में जाके करेंगे इसे फॉर्म व्यू अपना। अब देखिए रोल नंबर 120, नाम मैंने डाला भाई मिस्टर अमित, क्लास है हमारे हाई स्कूल, ये हमारा ये सेक्शन में है, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 12/4/1990, डेट ऑफ एडमिशन है इसका 12/3/2010 करते, फादर्स नेम इनका डाल देते मिस्टर सुरेश, अपने नोएडा सेक्टर 12 में, मोबाइल नंबर 1234567891010, और ईमेल आई डी दे देंगे आपसे अपने ऐसे abc@gmail.com आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो ऐड में जाइए आप इसे, और मेरे पास कुछ फोटोज देख लेता हूँ मैं, आई थिंक मेरे एफ ड्राइव में सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में कुछ वॉलपेपर पड़े हुए, मैं इनका यूज़ कर लेता हूँ, मैं आपके इनका यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ ये, ओके ये देखिए फोटो आ गया आपकी, टैब दबाइए, आप यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और वो डेटा आपको यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस तरह से, तो आप जितना डेटा स्टोर चाहें आप अपना करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 10 लोगों का डेटा स्टोर करा के आप देखिए, और जब आप इसका पूरा अच्छे से हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसेस समझाऊंगा कि आप इसके अंदर में सर्च कैसे कर सकते हैं और प्रिंट आउट वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे डेटा को सर्च करना और प्रिंट करना, तब तक मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, जय जय हिंद।